भाभी आपकी तरफ देख रही है, ऐसे क्या हो जाए? वो मैं प्यार से देख रही हूँ, क्योंकि वैसे तो इनका नाम फिदा हुसैन है, तो घर में हम इसको बोलते हैं खान। आप दोनों में से अगर कोई नाराज हो जाता है तो सबसे पहले कौन पहल करता है उसे मनाने के लिए? मनाने के लिए पहल ये करती है, मैं नहीं करता। नहीं, इसकी गलती भी हो फिर भी मैं ही मनाती हूँ, झूठ नहीं सच। अच्छा, क्या आपके मनाने पर ये जल्दी मान जाते हैं? जी, मनाने के लिए तो एक सेकंड लग जाता है। हाँ, मान तो जाता हूँ, ऐसी बात नहीं। ये सवाल यही बताएंगे जी, बिल्कुल भाई। मैं भी तो सुनू, याद है कि नहीं? हाँ जी बिलाल भाई, आप ये बात जब पूछते हैं तो दिल में कुछ होने लग जाता है। दिल में लड्डू फूटते हैं या फिर? जी अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खैर खैरियत से हैं। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने कल भी वीडियो में, परसों वाली वीडियो में भी बोला था कि हम जो है ना कियो ने वीडियो हम लेके आ रहे हैं, और हमने पोस्ट भी लगाई थी, तो सब बहन भाइयों ने बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी किए हैं। तो आज कुछ व्लॉग नहीं है, आज कियो ने वीडियो है हमारी। तो जिन जिन बहन भाइयों ने सवाल किए हैं तो हम जो है ना इंशाल्लाह उनके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम भाभी जान, और अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, पहला सवाल कि आप लोग कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक एहसान शुक्र है, आप सुनाएं। तो चलिए चलते हैं YouTube फैमिली की तरफ, जिन लोगों ने बहुत बहुत प्यारे प्यारे सवाल किए हैं, तो आप उनके जवाब देने के लिए रेडी हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हैं। तो सबसे पहला हम सवाल शामिल करते हैं अपने इस Q&A वीडियो में। रियल लाइफ विद इब्रार का पहला सवाल है, उन्होंने कहा है, सदीक भाई क्या आप भट्ठे पर ईंट बनाने का काम करते हैं? जी इब्रार भाई, सबसे पहले तो हम सलाम अर्ज करना चाहेंगे, तो उसके बाद हम आपको ये कहना चाहेंगे, मेरा नाम सदीक नहीं है, तो मेरा नाम फिदा हुसैन है। तो जी बिल्कुल, भट्ठे पर मैं काम करता था जी, तो तबीयत की वजह से मैंने काम जो है ना अभी छोड़ दिया है, तो जब तक तबीयत ठीक नहीं होगी तब तक काम पे मैं नहीं जा सकता जी। दूसरा सवाल है बिलाल खान का, और सवाल नहीं है, ये भी आया पोस्ट पर, तो मैं शामिल कर देता हूँ। अल्लाह पाक आपको खुश रखे भाई जान। जी आमीन भाई जान, शुक्रिया। तो अल्लाह पाक आपको और आपकी फैमिली को भी खुश रखे और हंसता मुस्कुराता रहे। तीसरा सवाल हम शामिल करते हैं सिंधी मुंडा व्लॉग्स गालिब सलंगी भाई का, वो पूछ रहे हैं, मेरा सवाल है कि आप और आपकी फैमिली हमेशा खुश रहें। जी सिंधी मुंडा व्लॉग भाईजान, बहुत शुक्रिया, तह दिल से शुक्रिया आपका, कि अल्लाह पाक आपकी फैमिली और आपको भी तरक्की अता फरमाए, खुश रहो भाईजान। और चौथा सवाल हम शामिल करते हैं अजहर मालड़ा व्लॉग्स भाई का, वो कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई और भाभी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मेरा सवाल नहीं, बस मेरी दुआ, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह आपको मजीद कामयाबियां दे, आमीन। अल्लाह आमीन, आमीन, आमीन। अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे अजहर भाई। पांचवा सवाल है सलिया हसन का। सलिया हसन आप ही कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम सिस, मेरा सवाल ये है, आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? लव फ्रॉम इंडिया से हैं, और ये सलिया हसन है, भाभी से सवाल है, आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? जी तो मेरे खावंद भट्ठे पे मजदूरी करते हैं और कुछ दिन से बीमार है, तो इसीलिए अभी नहीं कर रहे हैं काम वगैरह। ईशा व्लॉग्स का सवाल है जी, मेरा सवाल तो ये है, आपकी फैमिली ज्वाइंट है तो ये सब आसानी से मैनेज हो जाता है क्या? और माशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो होती हैं आप लोगों की। तो अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो आपका सिस्टर तहे दिल से शुक्रिया। दूसरी बात रही ये कि आपने कहा कि आप कैसे एडजस्ट कर लेते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारी सिस्टर हमें जो है ना समझती हैं, और हम दूसरे में इतना बहुत ज़्यादा प्यार है कि हम जो है ना वो भी हमें समझती हैं, हम उनको समझते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मैनेज तो मिलजुल के हम खाना वगैरह भी साथ बना लेते हैं, तो माशाल्लाह से एडजस्ट हो जाता है। वहीद नियाज़ी भाई हैं फ्रॉम सऊदी अरेबिया से, और पूछते हैं, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपका ज़िंदगी में सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? फिदा भाई आप बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर किसी का ख्वाब तो होता ही है, तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्वाब यह है कि मेरी दो सिस्टर हैं, वो बेवा हैं, तो मेरी अम्मी जान हैं, तो अब्बू का तो इंतकाल हो चुका है, तो मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, हम अल्लाह पाक के घर की ज़ियारत करना चाहते हैं जी ज़रूर।
तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह ज़रूर इंशाल्लाह हमें कामयाब करेगा। तो हम सबसे पहले हम अल्लाह पाक और रोज़ रसूल के ऊपर जाएंगे कि अल्लाह के घर पे जाएंगे और ज़ियारत करेंगे। भाभी आपका सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? जी मेरा भी बिल्कुल यही ख्वाब है जो मेरे खावंद ने बोला है, और पहले बाद में तो यही हमारा ख्वाब है, ये दूसरा ख्वाब है। पहला ख्वाब तो यही है जो हमारे इर्द गिर्द जो गरीब हैं, जो जो यतीम हैं, जो बेवा औरतें हैं, उनकी मदद करना भी हमारा वो भी बहुत बड़ा ख्वाब है जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको सलामत रखें, बहुत अच्छी बात है। और हमको ख्याल रखना चाहिए दूसरों का भी, दूसरों के लिए सोचना अच्छी बात होती है। जी बिल्कुल। मलिक शौकत हैं, शौकत व्लॉग्स हैं, भाई लिखते हैं भाई आपका शहर कौन सा है और आप क्या करते हो, ज़रूर बताना। जिनको भी जवाब दे रहे हैं। शौकत भाई मैं हम ज़िला मुजफ्फरगढ़ में रहते हैं, और दूसरी बात ये है सर कि मैं मजदूरी करता हूँ, और बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का एहसान है कि बस घर का सिस्टम में चल ही जाता है। फातिमा जी और लिखती हैं आपकी जॉब क्या है और आपके बच्चे कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? जी मेरे बच्चे जो बढ़िया मेरी बेटी हैं, सबसे पहले अभी तो वो मेरी बेटियां 8th क्लास में पढ़ती हैं, और जैनब जो है ना 2 क्लास में है। तो मुस्तफ़ा का अभी दाखला नहीं हुआ क्योंकि 5 साल का वो पूरा नहीं हुआ अभी, क्योंकि 5 साल से पहले यहाँ पे दाखला नहीं करते हैं। तो दूसरा सवाल उनका ये था कि मैं क्या काम करता हूँ। जी जी बिल्कुल। तो मैं जी काम बस मजदूरी करता हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। और कारी समीउल्लाह और कारी अब्दुल बासित साहब का सवाल है, मैं शामिल करता चलूँ। पूछ रहे हैं मुस्तफ़ा कुरान मजीद पढ़ता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद जो है ना घर पढ़ाने के लिए आता था, और इंशाल्लाह अभी जो है ना वो नहीं आ रहे, कुछ वजवात है इसी वजह से नहीं आ रहे। जी तो बिल्कुल उनकी मसरूफियात की वजह से नहीं आ रहे, तो इंशाल्लाह वो अगले हफ्ते या आंदे चंद दिनों में आएंगे, तो इंशाल्लाह बिल्कुल ज़रूर पढ़ते हैं जी, सब बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक और सवाल शामिल करते हैं झांगदे शहजादे जी, वो लिखते हैं आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपकी वीडियो देखकर मैंने कामयाबी हासिल की है। शुक्रिया मेहरबान। आज मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने वाला है, मेरा कमेंट्स जरूर ऐड कीजिएगा। माशाल्लाह। जी बिल्कुल भाई आपका कमेंट्स ऐड हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, तो तहे दिल से शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको और कामयाबी दे भाई। दीपाल भाई का कमेंट्स है फ्रॉम इंडिया से, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फियाज है, मेरा नाम फियाज है, मेरी कास्ट दीपाल है, शायद सॉरी इंडिया से नहीं है, ये भी पाकिस्तान से हैं, और लिखते हैं मेरी कास्ट दीपाल है, जलालपुर पीरवाला में मेरा घर है, मेरा सवाल ये है कि चाची आपकी रिश्ते में क्या लगती है, मेरी बात का जवाब ज़रूर देना, थैंक्स आई एम फ्रॉम सऊदी अरेबिया से। जी ये रिश्ते में मेरी कज़न लगती है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सराइकी की ज़बान में कहते हैं कि जी मुलेर, जैसे कि मामूजात बेटी की ये है, मामूजात बेटी है ये। ठीक हो गया। और भाभी आपका क्या लगता है भाई? जी ये भी मेरे कज़न ही लगते हैं, वैसे तो दूर के मुलेर लगता है दूर की नहीं बहुत नजदीक, मतलब ये आपकी फूफी के बेटे फूफेर लगे हैं। जी जी ये आपके फूफेर लगे, आप भाभी आपकी मुलेर लगी है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक सवाल ऐड करते हैं ज़ुल्फ़िकार खान भाई का, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई आप काम क्या करते हैं, घर किस से चलता है आपका? जी भाई बस घर चलाने वाला तो अल्लाह पाक की ज़ात है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके बाद जो है ना हम तो बस हाथ पे पांव चलाते हैं और मेहनत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक गुजारा हो ही जाता है, कर लेते हैं गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह, मजदूरी करता हूँ। हुमो ब्यूटी सीक्रेट प्लस व्लॉग जी जी सिस्टर, ये सिस्टर लिखती हैं आपका थंबनेल बहुत प्यारा होता है, कैसे बनाते हैं? शुक्रिया मेहरबानी सबसे पहले। जी शुक्रिया मेहरबानी। जो है ना पिक्सआर्ट पे बनाते हैं तस्वीरों की कटिंग करके, तो वहाँ पर थंबनेल बनाते हैं। अली खान भाई का सवाल है कैसे हो, आपका नेम क्या है? जी अली भाई मेरा नेम फिदा हुसैन है, पूरा नाम मेरा फिदा हुसैन है जी। भाभी आपकी तरफ देख रही है, ऐसे क्या हो जाए? वो मैं प्यार से देख रही हूँ क्योंकि वैसे तो इनका नाम फिदा हुसैन है, तो घर में हम इसको बोलते हैं
खान ये हमारा खान है। अच्छा ये जो खान प्यार से बोलते हैं ये आप बुलाते हैं या घर वाले बुलाते हैं? सब घर वाले, जी सब घर वाले बुलाते हैं। अम्मी जान ने मेरा नाम रखा था प्यार से और सब फिर बुलाते हैं। और भाभी जान आपको प्यार से क्या बुलाती है? ये मुझे वीडियो में तो फिदा जान ही बुलाती है, वैसे तो ये भी प्यार से मुझे खान ही बुलाती है। और आप क्या बुलाते हैं भाभी? मैं तो मेरे तो तीन तीन नाम रखे मेरे बाबा, शहीना और बहुत सारे नाम हैं इसके, प्यार से बुलाते बुलाते रहते हैं। मैं तो शहनाज बुलाता हूँ। अच्छा सॉरी फॉर यूट्यूब फैमिली, मैंने कुछ सवाल मेरे भी थे तो मैंने कहा मैं भी पूछ लूं। मेरे एक सवाल और भी है, अगर आप इजाजत दें तो मैं पूछ सकता हूं। पूछ सकते हैं, आप भी पूछ सकते हैं। आप दोनों में से अगर कोई नाराज हो जाता है तो सबसे पहले कौन पहल करता है उसे मनाने के लिए? मनाने के लिए पहल ये करती है, मैं नहीं करता। इसकी क्या वजह है? बस इसको आकड़ जाती है। नहीं नहीं अकड़ वाली बात नहीं है, बस यार किसी का जहन होता है। लेकिन नहीं मैं भी अगर मेरी गलती होती है तो मैं मना लेता हूँ, अगर इसकी गलती होती तो नहीं। इसकी गलती भी हो फिर भी मैं ही मनाती हूँ, झूठ नहीं सच। अच्छा क्या आपके मनाने पर ये जल्दी मान जाते हैं? जी जी मनाने के लिए तो एक सेकंड लग जाता है। हाँ मान तो जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है जी। अच्छी बात है, अल्लाह पाक आपके प्यार को सलामत रखे। हर बीवी को अपने शौहर का पता होता है कि कैसे मनाना होता है। हाँ ये बात, इसको मेरे राज का पता नहीं कैसे मनाती है मुझे। ठीक है क्या। अच्छा बिलाल खान भाई का सवाल है, आपने शादी किस सन में की भाई जी? ये एक मिनट, ये भाभी बताएगी आप बताएंगे, भाभी को याद है या आपको याद है? मुझे भी याद है, इनको भी याद है, ये सवाल यही बताएंगे जी। बिल्कुल भाई, मैं भी तो सुनू याद है कि नहीं। हाँ जी बिलाल भाई, आपका सवाल है कि शादी किस सन में हुई? हमारी सन 2006 में हुई शादी। तो क्या भाई सही कह रहे हैं भाभी? जी बिल्कुल सही जी, सन 2006 में हमारी शादी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। परफेक्ट डेट याद है? परफेक्ट डेट 23 तारीख थी। हाँ। तो मुहर्रम के बाद हुई थी, मुहर्रम के बाद हुई थी, 23 तारीख थी अंग्रेजी की। तो और कौन सा महीना था, महीना परफेक्ट याद नहीं, तकरीबन मेरे ख्याल में 10वां महीना था, 10वां अक्टूबर में हुई थी। ठीक हो गया, 23 अक्टूबर को हुई थी। तो कितने साल हो गए हमारी शादी को? तो बेसिकली तो हुए अभी तो 22 लगने वाला है, तो तकरीबन हो गए 16 साल हो गए। 16 अभी 16 साल मुकम्मल होंगे। एक सवाल और शामिल करते हैं लवली साजिद भाई का। लवली साजिद भाई कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपकी शादी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज हुई है? जी वालेकुम सलाम, ये बात जब पूछते हैं तो दिल में कुछ होने लग जाता है, दिल में लड्डू फूटते हैं या फिर ये सच बात बताऊं तो हमारी जी लव मैरिज हुई है शादी। जी ये बिल्कुल सच है जी, बिल्कुल हमारी शादी जो है ना लव मैरिज। सवाल ऐड करते हैं एसके भाई का जी, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई जान, मेरा आप दोनों से सवाल है, मेरा आप दोनों से सवाल है, आपका YouTube फैमिली पर के साथ वीडियो बनाने का क्या मकसद है? आपके इर्द गिर्द के लोग आपके साथ क्या सलूक करते हैं? जी एसके भाई, हम सबसे पहले तो वालेकुम सलाम, इर्द गिर्द के लोग तो जो यूट्यूबर भाई हैं वो उनको तो समझ है कि कैसे रिएक्ट करते हैं यहाँ पर, और कितनी कितनी बात करते बातें है। करते हैं और बातें सुननी पड़ती हैं जो फैमिली के साथ आए, तो जो ऐसे बनाते हैं उसके लिए भी बहुत दुश्वारियां हैं, जो फैमिली के साथ है उसके लिए भी बहुत दुश्वारियां हैं, लेकिन सामना भी करना पड़ता है, लेकिन हमने तो काम ही कर रहे हैं अपना जस्ट, तो बातें उनकी होती रहती हैं, वो करते रहें कोई मसला नहीं, हम अपना काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। मकसद हमारा क्या था आने का, तो इंशाल्लाह हम अपने लिए भी सोचेंगे और दूसरों के लिए भी, हमारी बहुत बहुत बड़ी काविश है कि हम उनके लिए, कि जैसे बेवा औरतें हैं यतीम बच्चे हो गए, हम इंशाल्लाह अल्लाह, ये हमारा, हम बिल्कुल सच ही बोल रहे हैं, तो ये हमारा अल्लाह जानता है, अल्लाह की मदद से हम उनकी मदद कर पाएंगे इंशाल्लाह, हमारा यही। बहुत अच्छा लगा आप लोगों का कैमरामैन बन के आज, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इन्वाइट किया एंड बहुत अच्छी फैमिली है आपकी, इसी तरह मेहनत करते रहें, शुक्रिया शुक्रिया, और खुश रहें सलामत रहें, आमीन। और बहुत अच्छा लगा ये आप लोगों का प्यार देख के अपनी YouTube फैमिली के लिए, कि आप अपनी YouTube फैमिली के सवालों का जवाब भी बहुत अच्छे तरीके से देते हैं और उन्हें समझते हैं और उनके सवाल क्लियर करते हैं।
बहुत अच्छी बात है, ये आपका तल्लक अल्लाह। और भी सब बहन भाइयों की हमें रिक्वेस्ट है कि अगर कोई हमें सवाल करना चाहे बाद में भी, तो हम उनका सवाल भी जरूर देंगे और उनको भी हम जवाब देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आज की वीडियो हमारी आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।